तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन बात करने वाले इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसीज पर निकल कर आ रही इंडिया की तरफ से अपडेट के बारे में, जो कि इंडिया की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही थी क्रिप्टो करेंसीज पर लगने वाले टैक्स के बारे में। तो अपन जानेंगे इस वीडियो में कि जो एयर टैक्स है, किन किन क्रिप्टो करेंसी निवेशकों पर एयर टैक्स लगने वाला है और वह कौन कौन से निवेशक होंगे जिन पर एयर टैक्स लगने वाला है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, क्योंकि अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, कि यहाँ पर जो कि क्रिप्टो करेंसीज पर लगने वाला टैक्स है वह किन किन निवेशकों पर लगने वाला है। थैंक्स दोस्तों, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और चलते हैं अपन सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पर जान लेते हैं कि यह जो अपडेट है वह क्या अपडेट निकल कर आ रही है और वो कि किन किन निवेशकों पर एक क्रिप्टो करेंसी टैक्स लगने वाला है। थैंक्स दोस्तों, तो अपन चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपन अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर अब जान लेते हैं इस टैक्स के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन टारगेट्स शास्त्रो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स रिपोर्ट, जो कि यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आ रही है। वह क्रिप्टो करेंसी निवेशक हैं जिन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी टैक्स को भुगतान नहीं किया है। मैं आपको इसको हिंदी में कर बता देता हूँ। भारत ने करों का भुगतान ना करने के लिए 700 क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को लक्षित किया है, रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते रिपोर्ट के अनुसार। और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर भारत ने आयकर विभाग ने कथित तौर पर लगभग 700 क्रिप्टो करेंसी निवेशकों की पहचान की है जो उच्च मूल्य वाले क्रिप्टो करेंसी लेनदेन पर करों का भुगतान करने में विफल रहे हैं। लेकिन देश के केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, हमारे पास उन लोगों की एक लंबी सूची है जो क्रिप्टो करेंसी संदर्भ में लेने कर रहे थे लेकिन कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हो इंडियन टैक्स अथॉरिटी गोइंग आफ्टर शास्त्रो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर। भारतीय कर प्राधिकरण शास्त्रो क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के बाद जा रहा है। भारत का आयकर विभाग कथित तौर पर क्रिप्टो करेंसी लाभ से करों का भुगतान न करने पर नकली कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने मंगलवार को बताया कि विभाग लगभग 700 निवेशकों के उच्च मूल्य वाले क्रिप्टो करेंसी लेन देन की जांच कर रहा है। यह करते हुए प्राधिकरण उन्होंने नोटिस जारी की करने का प्रस्ताव कर रहा है। आयकर अधिकारियों ने कहा है कि इनमें से अधिकतर लोग ने या तो कर रिटर्न पर क्रिप्टो करेंसी को घोषित करना छोड़ दिया है या टैक्स रिटर्न बिल्कुल भी दाखिल नहीं किया है। उन्होंने 30% कर, जुर्माना और ब्याज का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड CBDT के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रकाशन का पद को बताया। यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर अपडेट दी गई है यह जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, हमारे पास ऐसे लोगों की एक लंबी सूची है जो क्रिप्टो करेंसी समेत में लेन देन कर रहे थे लेकिन कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। प्रारंभ में हमने लगभग 700 लेन देनों को शॉर्ट लिस्ट किया है जहाँ कर देयता बहुत अधिक हैं, मतलब कि यहाँ पर जो देयता हैं इनकी संख्या बहुत ही अधिक है। अब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर सूची आप देख सकते हो द लिस्ट, सूची में उच्च निवल मूल वाले व्यक्ति, अनिवासी भारतीय, स्टार्टअप, छात्र, गृहिणियाँ शामिल हैं। उनमें से कुछ कभी टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, मतलब कि जो कि इन्होंने कभी टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। कर अधिकारियों के अनुसार कुछ लोगों को 40 लाख रुपए से अधिक का लाभ हुआ है लेकिन उन्होंने या तो कर रिटर्न दाखिल नहीं किया है या अपने रिटर्न का शून्य आय की घोषणा की है। इसके अलावा करदाता और अपने कर रिटर्न का क्रिप्टो लेनदेन को लगभग अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। कुछ आय पंजीकृत लाभ के अनुसार रूप में घोषित करते हैं जबकि अन्य व्यावसायिक आय के रूप में, मतलब कि यह जो टैक्स है उन लोगों पर लगने वाला है जिन्होंने यहाँ पर लगभग 40 लाख रुपए से अधिक का लाभ यहाँ पर अर्न किया था लेकिन उन्होंने जो कर का भुगतान है वो किया नहीं है या फिर उन्होंने अपनी जो आय है उसको शून्य दाखिल किया है, तो यह जो टैक्स है उन्हीं लोगों पर लगने वाला है। थैंक यू दोस्तों, तो अपन वीडियो के पास समाप्त करने वाले हैं।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर देता रहता हूँ। थैंक्स। तो अब अपन वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं।